नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम ऐसा क्यों है, और मैं हूं आपके साथ आचार्य शुक्ल। आज का सभ्य शिक्षित समुदाय तो स्नान को कौन कहे सोच जाने से पूर्व ही बिस्तर पर पड़े पड़े चाय के का सेवन कर प्राकृतिक नियमों की प्रत्यक्ष अवहेलना कर रहा है, और विविध रोगों के रूप में उसका दुष्परिणाम भी भोग रहा है। लेकिन हमारे यहाँ किसी समय ये अनिवार्य नियम था कि बिना स्नान किए कुछ न खाया जाए, लेकिन आधुनिकता के नाम पर लोग इस नियम को भूलते चले जा रहे हैं। इसके कई दुष्परिणाम होते हैं, तो आज के इस एपिसोड में हम आपको बिना स्नान किए हुए क्यों नहीं भोजन करना चाहिए इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। स्नान द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग को नया रस और नया जीवन प्राप्त होता है। शरीर में पिछले 24 घंटे में इकट्ठा हुआ सभी प्रकार का मल स्नान और उससे पूर्ववर्ती क्रियाओं द्वारा साफ हो जाता है, और उसमें कभी विषयों को ग्रहण करने की एक नई योग्यता आ जाती है। ये प्रभाव अन्य अंगों के साथ मनुष्य के पाचन यंत्रों पर भी पड़ता है, जिससे उनमें भी अन्न ग्रहण की नई इच्छा जागृत होती है। इसी का नाम भूख है। स्नान से पूर्व मनुष्य खा अवश्य लेता है और अग्नि उसे पचाती भी है, किंतु ऐसे भोजन से बना हुआ प्रभावहीन रस शरीर के लिए पूर्ण लाभकारी नहीं होता है। इसके अतिरिक्त स्नान से पूर्व जब हम कोई वस्तु खा लेते हैं तो जठराग्नि उसे पचाने के कार्य में लग जाती है। उसके बाद यदि आप स्नान करने लग जाएं तो शरीर के शीतल हो जाने के कारण उदर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और शरीर को कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए प्राचीन आचार्यों ने यह व्यवस्था की है कि बिना स्नान कुछ खाया न जाए। कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर स्नान से पूर्व भी खाया जा सकता है। इनके स्नान पूर्व सेवन से हानि नहीं होती। आइए आपको उनके बारे में बताते हैं। गन्ने का रस, पानी, दूध, फल, फूल, मूल, पान और दवाई, इन चीजों को खा पी कर भी स्नान दानादि क्रिया की जा सकती है। ये सभी वस्तुएं अल्पकाल में ही पचने योग्य और जल की अधिकता से परिपूर्ण होने के कारण ही स्नान से पूर्व ग्रहण की जाने पर भी हानिकारक नहीं होती है। यदि आप स्नान का वास्तविक तात्पर्य समझे, बिना दो चार लोटे डालकर अपने कर्तव्य तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपका शरीर रोगी ही रहता है, तो इसके कारण दयालु ईश्वर को दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं। मन में कभी ये विचार न कीजिए कि उसने आपके जैसे नित्य स्नान करने वाले भक्त को उसकी भक्ति का कितना अच्छा पुरस्कार दिया है। ऐसा विचार आपकी भ्रांति है, कमी तो आपके कर्तव्य में है। आपने समझा ही नहीं कि स्नान का तात्पर्य क्या है और वो कैसे किया जाता है। स्नान चाहे कुएं पर किया जाए या नल पर, विधि से करना चाहिए। स्नान के समय शरीर पर साधारण वस्त्र होना चाहिए, एक लंगोट और अंगोछा काफी है। पास में एक लोटा और पानी से भरी बाल्टी रख लीजिए। लोटे में जल लेकर सर्वप्रथम सिर को भिगोएं, इसके बाद हाथ और पांव धोने चाहिए। पहले सिर का भिगोना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिर में जल पड़ने पर वहां बढ़ी हुई गर्मी पांव के रास्ते निकलकर शांत हो जाती है। यदि ऐसा न करके पहले पांव भिगोए जाएं तो पांव की गर्मी सिर में समा जाती है, जिससे कुछ दिनों में मस्तिष्क में विकार उत्पन्न होकर पागलपन शुरू हो सकता है। इसलिए सिर हाथ पांव धोने के उपरांत पानी डाल डालकर शरीर को भिगो डालिए और फिर रगड़ रगड़ कर स्नान करें, ताकि आपके शरीर के रंध्रों में घुसा हुआ मल बिल्कुल साफ हो जाए। ऐसी मान्यता है कि रोज स्नान करने से माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है और व्यक्ति के आसपास नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती, उसका किया कार्य सफल होता है। ऐसी ही हमारे धर्म से जुड़े कई अन्य सवाल जिनका जवाब हम आपको बताएंगे अपने इस विशेष कार्यक्रम ऐसा क्यों में। अभी के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार।